तथागत बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारेथ चराथ तम्म, ये तम्म ही ऐसा है, सबसे पहले उसको अच्छे से सुनो। सुनने स्वागत है आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मदेशना कैसे सुनना चाहिए उसके विषय में एक कहानी बताता हूँ, वो कहानी याद रहेगा और कैसे धम्मदेशना सुनना है। वैसे हम भंते के साथ वो जगह पे धम्म परिसर में जाते तो ये कहानी बार बार बताते रहता हूँ, आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि धम्मदेशना कैसे सुनना चाहिए। एक समय एक भंते धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंचते। जब वहां के उपासक को पता चला कि हमारे गांव में भंते आए हैं और उसको धम्म देशना सुनना बहुत पसंद है, वो भागा भागा भंते के पास गया और कहते भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना सुनाइए ना। तो भंते जी ने उसको देखा और कहते हैं ठीक है मैं धम्म देशना सुनाता हूँ, पर मैं अभी अभी आया, मुझे प्यास लगा है, थोड़ा पानी लाके दो। वो कहते हाँ भंते जी मैं अभी लाके देता हूँ करके वो घर की तरफ भाग गया और जाते जाते उसको लगा कि भंते जी को प्यास लगा है, मैं पानी क्यों, अच्छे से दही से बना हुआ छास, हाँ मही, हाँ वो छास लेके जाता हूँ ठंडा ठंडा, ऐसे करके एक बार एक बर्तन में वो छास लेके वो गया भंते के पास और भंते जी को भंते जी ये लीजिए। भंते जी कहते हैं मैं खुद के ही पात्र में लूंगा। ठीक है लेके आइए। तो भंते जी अंदर से एक पात्र लेके आते हैं, पात्र पता है ना, हाँ पिंड पात्र, वो पात्र लेके सामने रखते थे। अभी भंते अपने ही पात्र में लेना चाहते हैं तो ठीक है अभी वो पात्र में डालता हूँ करके, हाँ वो छाछ डालने के लिए जैसे हाथ उठाते हैं तो रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा, देखते हैं वो पात्र से पात्र तो पहले से ही भरा हुआ था। अब भरे हुए पात्र में भरे हुए वो बर्तन में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, हाँ वो तो गिर जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो उपासक कहते हैं भंते जी ये पात्र तो भरा हुआ है, हाँ तो क्या करो, तो खाली पात्र लाइए। हाँ ठीक है, भंते जी अंदर जाते हैं फिर खाली पात्र लाते हैं, देखते हैं खाली है, चलो अभी इसमें डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाते हैं फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, देखते हैं पात्र तो खाली है पर पात्र बहुत ही गंदा था। अभी गंदे पात्र में वो शुद्ध अच्छा वाला वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी पीने लायक नहीं होगा। फिर कहते हैं भंते जी ये पात्र तो बहुत ही गंदा है तो क्या करो। तो कहते वो उपासक कहते भंते जी साफ पात्र लाइए ना, खाली पात्र साफ पात्र। ठीक है भंते जी अंदर जाते हैं फिर एकदम साफ वाला पात्र सामने रखते थे, अभी देखते खाली भी है देखते साफ भी है, चलो अभी इसमें डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा देखते हैं पात्र में तो बहुत छेद है, अब छेद है तो उसमें डालेंगे तो क्या होगा, सारे के सारा गिर जाएगा। फिर वो उपासक को भी लगा अरे एक ठीक से ढंग से एक पात्र भी नहीं लाया और मैं वो भंते का उपदेश सुनने के लिए आए, वो एकदम तिलमिला गया एकदम चिड़चिड़ा हो गया, एक ठीक से पात्र भी नहीं लाया। फिर भंते ने उसको देखा और देखने के बाद फिर आराम से बोलते हैं उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना था ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है क्या है। तो भंते जी विस्तार से समझाते हैं जिस तरह भरे हुए पात्र में कुछ भी नहीं रख सकता,
रखा तो भी गिर जाएगा। उसी तरह आप लोगों के मन में भी पहले से ही भरा हुआ है, पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। पंत जी आके जो बोलना है वो बोलते जाएगा, पंत जी का काम है प्रवचन देना, देके जाएगा, पर क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता है। ऐसा करके तमदेशना सुनने के लिए आएंगे तो आप लोग ले पाएंगे क्या? कुछ भी ले पाएंगे नहीं, क्योंकि मला माहिते आए ना, मुझे पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा करके एकदम अहंकार होके अभिमान के साथ बैठेंगे तो यहाँ कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बस अपने बिहार में प्रोग्राम हो रहा है ना, चलो प्रोग्राम में बैठना है, प्रोग्राम में सहभागी देना है, बस उतना ही, कुछ भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। खाली पात्र चाहिए तो हम भी जो भी वहाँ बुद्धवाणी उपदेश होगा हम अच्छे से ग्रहण करेंगे, ऐसे तैयार होके आना पड़ेगा, खाली होके आना पड़ेगा, ताकि जो भी उपदेश दे आप लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। पहला, फिर भंते जी समझाते हैं, जिस तरह पात्र खाली होने से भी अगर पात्र गंदा हुआ ना, उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा, उसी तरह आप लोग तमदेशना सुनेंगे करके तो आया, पर यहाँ आते बरोबर आप लोगों के मन में अनेक क्लेश उत्पन्न हो रहा है। हो सकता है लोभ उत्पन्न हो रहा हो सकता है द्वेष उत्पन्न हो रहा हो सकता है अनेक अनेक अकुशल चेतना आ रहा हो। उसका इतना अच्छा है, उसका उतना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ऐसा लोभ लालच बढ़ाते रहेंगे, या उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, मैं भी उसको दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा बदला लेने की भावना, ऐसे गुस्सा, ऐसे द्वेष भाव आता रहा और वही खिलता रहा। तो आप लोग तमदेश ना सुन पाएंगे, सुना तो भी उसी में मिक्स होके वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी दूषित हो जाएगा। इसलिए मन में क्लेश रहा, क्लेश रूपी मैल रहा, तो कितना भी अच्छा तमदेशना आप लोगों को दो तो भी आप लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो तमदेशना सुनते समय ऐसा क्लेश नहीं जागना चाहिए, न राग न द्वेष न कोई अकुशल न पाप, कुछ भी नहीं जागना चाहिए, तब जाके शुद्ध रूप से वो धम्मदेशना ले पाएंगे। समझ गए? तीसरा, अगर पात्र खाली भी हो, अगर पात्र साफ भी हो, फिर भी उसमें छेद रहा तो जितना भी उसमें डालेंगे सारे के सारे गिर जाएंगे। उसी तरह आप लोग धम्मदेशना सुनने के लिए भी आए, आप लोगों के मन में राग द्वेष मोह कुछ भी क्लेश नहीं मेल नहीं, तमदेशना सुनने के लिए बैठे, मगर बैठे आप लोगों का मन ज्यादा ही चंचल हो गया, ज्यादा ही इधर उधर भागने लगा, मन एक जगह टिका ही नहीं, शांति नहीं, तो ऐसे समय में आप लोग तमदेशना ग्रहण कर पाएंगे क्या, तमदेशना सुन पाएंगे क्या? एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से फेंकते जाएंगे। छेद हुए पात्र में कितना भी डालो नीचे से गिरता जाएगा। अगर आप लोग भी चंचल होके तमदेशना सुनेंगे तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ भी समेट नहीं पाएंगे। इसलिए तमदेशना सुनते समय चंचल नहीं होना, मन एकाग्र होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तब जाके उसको सुन पाएंगे ग्रहण कर पाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म, ये धम्म ही ऐसा है, सबसे पहले उसको अच्छे से सुनो, सुनने के बाद उसको धारण करो, धारण करने के बाद उसको मनन करो। जैसे सोने के काम करने वाले हर पीले धातु को सोना मानते हैं क्या? नहीं, उसको कसी में खोद के अनेक परीक्षण करने के बाद संतुष्ट होने के बाद ये सोना है ऐसा मानेगा। वैसा ही तमदेशना के नाम पे कुछ भी आप लोगों को सुनाए साधु साधु करके उसको ग्रहण करके पालन करना नहीं है। हम इंसान है, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी है,
हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल उचित अनुचित योग्य अयोग्य पाप धर्म हम अच्छे से समझ सकते हैं और जितने भी अकुशल पाप है उससे दूर रह सकते हैं, जितने भी कुशल धर्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो विवेक बुद्धि वो प्रज्ञा से जो धम्म हमने सुना है जो धम्म हमने ग्रहण किया है उसको परिचयन करना है कि ये धम्म ठीक है कि नहीं, ये धम्म मैं पालन करूंगा तो इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरे अपनों का कल्याण होगा कि नहीं, बहुत अच्छे से चिंतन मनन करना है। अगर ठीक है अगर अच्छा है तो उसे पालन करना, नहीं अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बुढ़ापे में पालन करूंगा, मैं रिटायर लाइफ में पालन करूंगा, मैं बाद में पालन करूंगा करके बाद में नहीं बोलना। अच्छा है ना पालन करते जाओ, अगर अच्छा नहीं लगा कहीं से भी इससे कल्याण नहीं लगा समझ में नहीं आया उसको अलग रखो। जीवन दुर्लभ है, एक बार गया तो फिर से वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग 10 का एग्जाम देते हैं, 10 क्लास का परीक्षा देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद भी कोई कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, इतना दुख, पर फेल हो गया तो हो गया, कौन सी बड़ी बात है, वो फिर से एग्जाम नहीं दे सकता क्या, फिर से अगले साल दे सकते हैं। कोई व्यक्ति यहां से कहीं मुंबई जा रहे हो या नागपुर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, उसने बस टिकट भी लेके रखा है, फिर भी बस पर पहुंचते 5 मिनट लेट हो गया, बस निकल गया, दुख होगा कि नहीं, कितना दुख, अरे कितना काई का दुख, वो अगले बस से नहीं जा सकते क्या। बस तो छोड़ ही दो, हमें अमेरिका जाना था, वीजा भी मिल गया, टिकट भी मिल गया, लाखों खर्चा भी हो गया और फ्लाइट के टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचते 1/2 घंटा लेट हो गया, प्लेन निकल गया, कितना बड़ा दुख, वो भी बड़ा दुख नहीं है। फिर से वो दूसरी बार अमेरिका जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, मगर यकीन मानिए एक बार हमारा जीवन गलत रास्ते पे खत्म हो गया तो गया, फिर से बुढ़ापे में आके अरे बाप रे मैं गलत रास्ते पे आके मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, इतना दुर्लभ जीवन नाश हो गया, फिर से वो एक बार मेरा जवानी या मेरे समय वापस आते, अभी तो मैं अच्छे रास्ते पे जाऊंगा, ऐसा पछतावा करने से वो समय वापस आएगा क्या। लाखों करोड़ों अरबों खर्चा भी किया तो भी वो समय नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा हो जाता तो, जिंदगी भी फिल्म की तरह फास्ट फॉरवर्ड कर सकता तो, एक रास्ते पे चला जाते और बुढ़ापे में है इससे भी दुख मुक्त नहीं हुआ, करो रिमाइंड, फिर से हम जवानी में आते, फिर से दूसरे रास्ते में जाते बुढ़ापे तक, अरे इससे भी कोई मार्ग फल प्राप्त नहीं हुआ, आओ फिर से रिमाइंड करो, फिर से जवानी में, फिर इसमें जाते, फिर उसमें जाते, फिर उसमें जाते, एक एक रास्ते का हम अनेक तरह से अनुभव करते, मगर जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड होता है क्या, जिंदगी ऐसे वापस आ सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए कोई भी रास्ते में चलने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ के चलना है, पछतावा करके ताप करके वो समय वापस नहीं आने वाला, इसलिए बहुत सोच समझ के आगे चलना है, तम्म कुशल कम्म में ही आगे बढ़ना है, इसी में हमारा सुख शांति है, ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। साधु, साधु, साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूं, तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।